खबर ये कि चूंकि सतीश मान शिंदे पक्ष रख रहे हैं अपने क्लाइंट का आर्यन का, उनका ये कहना है कि पार्टी में आर्यन को बुलाया गया था, ये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है। ये तमाम वो दलीलें हैं जिनके जरिए सतीश मान शिंदे इस कोशिश में है कि आर्यन को बचाया जा सके। उनका ये कहना है कि आर्यन के पास तो टिकट भी नहीं था। मेरे सहयोगी हितेन का मैं रुख करती हूँ। हितेन, ये वजन कितना है इन दलीलों में? पार्टी में आर्यन को बुलाया गया था, उनके पास टिकट भी नहीं था, अंकुर इसके पहले बता रहे थे कि उनके नाम का कोई कमरा भी नहीं था, बोर्डिंग पास भी नहीं था उनके पास, ये तमाम दलीलें सतीश मान शिंदे की तरफ से दी जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मान शिंदे की बात करें तो वो तमाम तर्क वितर्क देंगे, तमाम दलील करेंगे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। उसी आधार पर देखिए, जिस तरह की बात अगर हम करें तो मान शिंदे ने आर्ग्यूमेंट में सीधे तौर पर कहा कि माय क्लाइंट वाज इनवाइटेड बाय ऑर्गेनाइजर। अब तक ऑर्गेनाइजर भी एनसीबी के हाथ से नहीं चढ़ा है, तो सीधे तौर पर एनसीबी को अब दलील में ये कहना चाहिए कि हमें आर्यन के थ्रू ऑर्गेनाइजर तक भी पहुंचना है, इसीलिए 48 घंटे की कस्टडी जो मिलनी चाहिए। लेकिन मान शिंदे ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये कोई रेगुलर कोर्ट है नहीं, ये एक हॉलीडे कोर्ट है। ऐसे में सेक्शन 37 का हवाला देते हुए मान शिंदे ने कहा है कि हम और कोर्ट दोनों एक दिन की कस्टडी जो है वो दे सकते हैं, ताकि एक दिन बाद हम अपने क्लाइंट के लिए स्पेशल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो है वो सीधे तौर पर कर सकते हैं। यानी कि एक दिन की कस्टडी की जो है मांग मान शिंदे की। मैं इतना आपको रोक रही हूँ क्योंकि कोर्ट के अंदर क्या सतीश मान शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं, दलील रख रहे हैं क्लाइंट को बचाने के लिए, वो मैं दर्शकों को बता दूं। पार्टी में आर्यन को बुलाया गया था, पहली दलील सतीश मान शिंदे की तरफ से ये। दूसरा, आर्यन के पास टिकट भी नहीं था, और तीसरा ये कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ड्रग्स नहीं था आर्यन के पास। ये भी उनका कहना है कि आर्यन के बैग से एनसीबी को कुछ भी नहीं मिला। ये दलीलें सतीश मान शिंदे की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट है और उसी के आधार पर बस जैसे ही आर्यन पहुंचे थे पार्टी में, अपने दोस्तों से वो मिले, तुरंत ही एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची और तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। ये सतीश मान शिंदे कह रहे हैं कि आर्यन के पास से बरामद कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस बात में कितना वजन है ये कोर्ट को तय करना है। तो सतीश मान शिंदे आर्यन को बचाने की कोशिश करते हुए उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये तो जमानती है। अब चूंकि ये हॉलीडे कोर्ट चल रहा है, आप सबको पता है आज संडे और ऐसे में कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है, हॉलीडे कोर्ट है जहां पर अभी फिलहाल खिला कोर्ट में ये दलीलें पेश की जा रही है सतीश मान शिंदे की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ये तो जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है, और ऐसी स्थिति में जमानत क्या आर्यन खान की हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल सतीश मान शिंदे वो पूरी बातें बताते हुए जिसके तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि देखिए अभी तक आर्यन का पक्ष सामने नहीं आ पाया था। मैं हितेन का रुख कर लेती हूँ। हितेन, साफ साफ सतीश मान शिंदे का यह कहना है कि आर्यन के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, सतीश मान शिंदे ही नहीं बल्कि जो एडवोकेट सरताज है, बाकी दो आरोपी के वकील, वो भी यही बात कह रहे हैं कि एनसीबी को इन दोनों के पास से कुछ चीज़ें बरामद नहीं हुई, सिर्फ मोबाइल के स्क्रीनशॉट, मोबाइल के चैट के आधार पर एनसीबी जो इनकी रिमांड मांग रही है ये पॉसिबल नहीं है। बाकी दोनों आरोपी के वकील एडवोकेट सरताज ने भी ये कहा है कि आप जुडिशियल कस्टडी पर इन्हें भेज सकते लेकिन एनसीबी की रिमांड पर नहीं। अब कोर्ट को तय करना है कि आखिरकार एनसीबी ने जो अपनी दलीलें पेश की है वो कितनी मजबूत थी, क्या एनसीबी को 48 घंटे की मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि एनसीबी ने अपनी तरफ से तो बता दिया कि हमने क्या क्या कौन कौन सी ड्रग्स कितनी मात्रा में इन लोगों से बरामद की है। देखिए, एनसीबी ने अरेस्ट मेमो में ही लिखा हुआ है कि 1,33,000 कैश मिला है, साथ ही साथ 22 एमडीएमए की गोलियां आर्यन खान से बरामद हुई है, चरस मिली है, कोकेन मिली है, एमडी ड्रग्स भी जो है वो बरामद हुई है। तो वो कितनी मात्रा में बरामद हुई है वो अरेस्ट मेमो में साफ साफ लिख के भेजा है।